भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह चुनाव प्रचार किया उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 73 साल की उम्र और 40 डिग्री पार तापमान में प्रधानमंत्री मोदी के जोश की तारीफ हर तरफ हो रही है। उन्होंने हर दिन औसतन 3 से 4 तक जनसभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 73 साल की उम्र के हैं, उन्होंने पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनाव प्रचार किया है। उनकी ऊर्जावान शैली और लोगों से सीधे संवाद करने की क्षमता उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी अपने विरोधियों से कहीं आगे नजर आ रहे हैं। 2024 चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय व राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को कुल 80 साक्षात्कार भी दिए। इस तरह उन्होंने मैराथन प्रचार का रिकॉर्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के आम चुनाव के दौरान करीब 145 रैलियां और रोड शो किए थे। इस तरह उन्होंने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को पंजाब के होशियारपुर में रैली करने के साथ अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का समापन किया। 16 मार्च को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार 30 मई की शाम तक देश भर में 206 रैलियां और रोड शो किए। यानी चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हर दिन औसतन 3 से 4 रैलियां और रोड शो किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक चुनावी रैली में औसतन 45 मिनट का भाषण दिया। इस तरह उन्होंने करीब 155 घंटे देश के अलग अलग हिस्सों में जनता को संबोधित किया। जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के राजनीतिक दौरे पर थे। 15 से 17 मार्च के बीच इन 3 दिनों में ही प्रधानमंत्री मोदी ने सभी 5 राज्यों को कवर किया और उसके बाद से आखिरी चरण के लिए मतदान खत्म होने तक प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव प्रचार शैली और उनकी ऊर्जावान उपस्थिति उन्हें भारतीय राजनीति में एक आदित्य स्थान दिलाती है। 73 साल की उम्र में भी उनका जोश और उत्साह युवाओं को प्रेरित करता है और उनके नेतृत्व में देश एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। 73 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल रैलियों की संख्या बल्कि देश भर में तय की गई दूरी के मामले में भी प्रतिद्वंदी नेताओं को काफी पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे और मतदाताओं के बीच लोकप्रिय भी बने रहे। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार किया है और उनको जनता ने जो प्यार दिया है उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में फिर एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।